हाय फ्रेंड, अगर आप लोग भी यूपी पुलिस का फॉर्म फिलअप किए हुए थे तो यूपी पुलिस का जो एडमिट कार्ड है वो आ चुका है। एडमिट कार्ड नहीं, अभी उसको एग्ज़ाम सीटी बोल सकते हैं। अभी एग्ज़ाम का जो सीटी है वो बताया जा रहा है, तो कैसे आप लोग अपने एग्ज़ाम का सीटी चेक करोगे इस वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल आपको अपना क्रोम या फिर गूगल ओपन करना है, देन यहाँ पर आपको सर्च करना सरकारी रिजल्ट। जैसे सरकारी रिजल्ट सर्च करोगे एंड इसका जो वेबसाइट है उसको ओपन करोगे, इस आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अनलॉक मोर कंटेंट का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे इसका एक ऐड होगा वो देख लेंगे। ऐड देखने के बाद हमारा जो साइट है वो बिल्कुल काम करने लगेगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम सिटी 2024 का ऊपर में ही एडमिट कार्ड वाले सेक्शन में आपको ये लिंक दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे। अब जैसे इस पर क्लिक करोगे इस तरीके का इंटरफेस आएगा, यहाँ पर इस तरीके से हम नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद अब यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, चेक एग्ज़ाम सिटी सर्वर 1 सर्वर 2। तो आपको क्या करना है, सर्वर 1 पर जब आप लोग क्लिक करोगे तो ये सर्वर 1 अभी बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, लेकिन आप लोग एक बार इस पर क्लिक करके देखना, अगर ये काम करे तो बढ़िया। यहाँ से भी आप लोग अपने एडमिट कार्ड को चेक कर सकते हो कि कौन से सिटी में आपका एग्ज़ाम पर है। अभी ये बिल्कुल यहाँ पर क्लियर नहीं किया गया है कि कौन से सेंटर पर है, लेकिन आपका यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है कि किस सिटी में आपका कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ा हुआ है। अभी देखो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, इसको पूरी तरीके से लोडिंग होने देते हैं। सो यहाँ पर थोड़ा देर वेट करेंगे, तब तक आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं आपके लिए इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूँ। आप सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हो क्या आ रहा है, पंजीकरण संख्या। तो जो भी आपका पंजीकरण संख्या है उसको यहाँ पर डाल देना है। तो आपको पंजीकरण संख्या कहाँ देखने को मिलेगा, जब आपने फॉर्म फिलअप किया था तो उस पर कागज़ जो दिया था, रिसीविंग दिया था, उसके रिसीविंग पर सबसे ऊपर में ही पंजीकरण संख्या रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ है, उसी को यहाँ पर फिलअप करना है। तो अभी देख सकते हो कि मैं अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे फिलअप कर दिया हूँ। फिलअप करने के बाद अब यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन आएगा, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो डाल लेना है। उसके बाद यहाँ पर एक कैप्चा देखने को मिलेगा, अगर आपको कैप्चा नहीं मिल रहा तो आप लोग थोड़ा देर वेट करोगे एंड यहाँ पर आपको रिफ्रेश करने का ऑप्शन मिलेगा, इसको रिफ्रेश करके इस साइट को ओपन करोगे, देन यहाँ पर आपका कैप्चा आ जाएगा। एक बार में अगर ये साइट ओपन नहीं होता है तो आपको दो बार तीन बार में इसको करके ओपन करना है। अगर फिर भी ये साइट आपका वर्क नहीं कर रहा है तो आपको नाइट में ये चीज़ करना है, कोई हड़बड़ी नहीं है, अभी बहुत टाइम बाकी है। अभी क्या है कि बहुत सारे लोग एडमिट कार्ड चेक करने के लिए इस पे साइट पे आए हुए हैं, इसलिए साइट वर्क नहीं कर रहा है। आप लोग को ये नाइट में 12 से 1 बजे के बीच में करना, ये साइट बिल्कुल रिफ्रेश होकर ये अच्छे तरीके से काम करेगा। अभी आपको कैसे करना मैं आपको वो बता देता हूँ, ताकि अगर आपका साइट काम नहीं कर रहा तो आप लोग रात में भी इसको चेक कर सकते हो। अभी देख सकते हो यहाँ पर जो भी जिस तरीके से लिखा हुआ कैपिटल लेटर में, उसी तरीके से कैपिटल लेटर में अपना कैप्चा भी फिलअप कर दिए। उसके बाद यहाँ पर तीन ऑप्शन मिलेगा, तो आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे आपको यहाँ पर थोड़ा देर वेट करना होगा। अभी देख सकते हो यहाँ पर ये पेज लोडिंग हो रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा देर वेट कर लेते हैं। अब वेट करने के बाद देखो हमारे को एक प्रॉब्लम आ रहा है, दिस सर्वर इज़ अनअवेलेबल। लेकिन जब नाइट में ये सर्वर काम करने लगेगा, नाइट में ये साइट ओपन होने लगेगा, तो यहाँ पर आपका जो एडमिट कार्ड है वो देखने को मिल जाएगा, जिस एडमिट कार्ड में आपका सिटी बताया गया होगा कि आपका जो एग्ज़ाम है कहाँ पर है। जैसे कि बहुत सारे लोग का रायबरेली में है, बहुत सारे लोग का बहुत डिस्ट्रिक्ट में है, लेकिन 17-18 को ही एग्ज़ाम पड़ रहा है। आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रख लीजिएगा एंड नाइट में इस चीज़ को जरूर चेक कीजिएगा, तो आपका जो एडमिट कार्ड है वो शो हो जाएगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा।